गंगा सतमई तक का पर्व बड़े ही धूमधाम से बनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। वो वही दिन है जिस दिन भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा माता को समाया था। ये पंडित जी से अंतिम विस्तार से। मोक्षदायिनी, पतित पावनी, भक्तों का उद्धार करने वाली ऐसी परम पावनी गंगा की उत्पत्ति का पुण्य दिवस गंगा सप्तमी का पावन अवसर हम सभी भक्तों को 14 तारीख के दिन 14 मई के दिन प्राप्त हो रहा है। बड़े ही भाग्य से गंगा मैया का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भागीरथ की तपस्या के फल स्वरूप यह गंगा मैया हम सब भक्तों को धराधाम पर प्राप्त हुई। जब भागीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा मैया आने को तैयार नहीं थी। उस समय भगवान शिव जी से प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी ने गंगा मैया को आवाज लगाई गंगा, और गंगा मैया का कहना था कि मेरा वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वह जब स्वर्ग से चली तो भगवान शिव जी की जटाओं ने उनको लपेट लिया। गंगा मैया इस तरह भगवान शिव जी की जटाओं में उलझ गई कि सभी लोग, सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके विनय करने लगे कि प्रभु अब इसे धराधाम पर अवतरित करें। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के गंगा मैया को एक धारा के रूप में धराधाम पर प्रवर्तित किया। वही गंगा मैया हरिद्वार, कनखल और आगे बढ़ती हुई पूरी धराधाम में जगह जगह पर प्रकाशवान हुई, प्रभावित हुई। और जब हरिद्वार में गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ तो जान्हू ऋषि भगवती गंगा के वेग से उनकी तपस्या में खलबली हुई, तो उन्होंने अपने तप बल से गंगा मैया को चुल्लू में भर करके पान कर लिया। तो भागीरथ जी ने फिर देखा कि पीछे गंगा मैया आ रही हैं, तो पीछे गंगा मैया नहीं थी। तो उन्होंने उन ऋषि से फिर प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, आप गंगा को कृपा करके पुनः मुक्त कीजिए। तो जान्हू ऋषि ने अपनी जंघा में चीरा लगा करके गंगा को पुनः प्रभावित किया, प्रकाशित किया, इसलिए गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। इस प्रकार से गंगा मैया तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है और पतित पावनी मोक्षदायिनी है। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए सगर जी ने धराधाम पर गंगा मैया को अवतरित करवाया, और जो भी मनुष्य गंगा मैया से प्रार्थना करता है, गंगा मैया से निवेदन करता है कि मेरे पितरों का उद्धार करो, गंगा मैया उनके पितरों का उद्धार करती हैं। यह गंगा मैया की परम पावनी कथा है। जो भी गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया में स्नान करता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के शुभ फल उसको प्राप्त होते हैं, पितरों उसके सदा सदा के लिए तर जाते हैं। जय गंगा मैया।